देखने में आता है कि जो उम्र वाले हैं, जो प्रौढ़ हैं, वो पत्र व्यवहार जो करते हैं उसमें नागरी के साथ साथ मोरी लिपि का प्रयोग करते हैं। यह भाषा भी भारत की अन्य भाषाओं की तरह 1000 ईस्वी के आसपास की है। 983 में इसका एक वाक्य प्राप्त हुआ था शिलालेख के ऊपर, तो इस दृष्टि से लगता है कि यह भाषा भी बड़ी पुरानी है। और जब भाषा पुरानी होती है तो उतनी ही समृद्ध होती है। इसके भी लोक साहित्य का अपना अलग महत्व है, खूब लोक साहित्य लिखे गए हैं। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में भी मराठी को एक भाषा के रूप में केंद्रित करके इसमें अन्य भाषाओं के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन भी खूब हुआ है। और यह भारतीय आर्य भाषा दिन प्रतिदिन खूब प्रगति कर रही है। पुनः इनकी खानदेशी और कोकड़ी आदि इसकी बोलियाँ खूब प्रगति पर हैं, पथ पर हैं। और कोकड़ी तो खूब आज भाषा बन गई है, उसमें खूब लिखा जा रहा है, रिसर्च शोध कार्य भी हो रहा है। तो इस तरह मराठी भाषा की बात मैंने की। अब कुछ उदाहरण राजेंद्र भाई देकर इसकी पुष्टि और कर दें, फिर हम आगे बढ़ें। जरूर, मराठी महाराष्ट्र की भाषा है। सतपुड़ा पहाड़ियों से कृष्णा नदी तक वो बोली जाती हैं। मैं जब भी महाराष्ट्र गया हूँ, बड़ी सरलता से वो लोग बोलते हैं तो समझ लेता हूँ। जैसे कसा का आया, कैसे हो, चांगला है, मजा मचो, काई पाहे जा, क्या चाहिए, कुठे गेला, कहाँ गए थे, जेवण गेनार का, भोजन कर लिया, जेवण सांपला। तो ये जो छोटे छोटे वाक्य है मराठी के, मैं बड़ी सरलता से समझ लेता हूँ। मराठी समृद्ध भाषा है, आज उसमें उपन्यास और साहित्यों की रचना हो रही है। वहाँ के लावणी गीत, लोकगीत मुझे बहुत पसंद है। एक वर्षा ऋतु का है कि ताऊ ढगल लगली गड़, पानी थेम थेम गड़, आओ रानी गवैया गानी, ढगल लगली गड़, पानी थेम थेम गड़। तो ये मराठी भाषा है, बहुत सी रचना उसकी हुई है। उसके बाद हम उड़िया भाषा पर जाते हैं, और मैं मालती देवी से निवेदन करूंगा कि उड़िया भाषा के बारे में कुछ बताएं। बहुत ही अच्छी बात है, आपने मराठी भाषा के बारे में काफ़ी अच्छा उदाहरण आपने प्रस्तुत किया, हमारे विद्यार्थियों को उससे लाभ भी मिला। अब उड़िया भाषा के विषय में मैं थोड़ा आप सबको बताना चाहूँगी। उड़िया भाषा जो है वह उड़ीसा में बोली जाती है, और इसकी यह भाषा जो है उसकी कई नाम हैं, उड़िया, ओरिया, ओड़िया। ओट का अर्थ होता है खेती, और ओडिशु का अर्थ होता है किसान। इस तरह से स्पष्ट है कि इस राज्य में खेती भी है और किसान खेती करना पसंद करते हैं, और इसके कारण ही इसका नाम ओरिया या ओडिशु या उड़िया, ओरिया या उड्री या उड़िया पड़ा। तो इसमें कई इसके नाम हैं। बोली की दृष्टि से कहूँ तो संबलपुरी और लरिया बोली इसकी काफ़ी प्रसिद्ध है, इसको काफ़ी लोग बोलते हैं। और कटक के आसपास की और जगन्नाथपुरी के आसपास की जो भाषा बोली जाती है उड़िया, वह स्टैंडर्ड लैंग्वेज या परिनिष्ठित भाषा उसे हम कह सकते हैं। तो इस तरह से उड़िया भाषा का भी भारत की अन्य भाषाओं की तरह क्रमशः सनह सनह इसका विकास हो रहा है। यहाँ के लोग खूब लिखते हैं। ऐसा माना जाता है कि ताम्रपत्र पर लोहे की कलम से लिखने के कारण इसकी लिपि वर्तुलाकार हो गई है, थोड़ी गोल गोल हो गई है। इसलिए बहुत कुछ गोल गोल के कारण इसको जलेबी लिपि भी कहते हैं, यह भी हमारे समाज में कहा जाता है। तो क्योंकि जब हम इसकी लिपि को कहीं पढ़ा लिखा हुआ पढ़ते हैं तो यह अत्यंत सुंदर, यह हमें प्रभावित करती है अपने वर्तुलाकार रूप के कारण।
तो सचमुच यह भाषा लिपि से लेकर बोली लेकर और साहित्य की जो रचनाएं इसमें हुई हैं वो सब कुछ सभी दृष्टि से बड़ी संपन्न और समृद्ध भाषा है। अब हम उड़िया के बाद अगली भाषा पर जाएंगे जो है बंगाली। बंगला भाषा जो है वह बंगाल में बोली जाती है और बंगाल के आसपास के भी कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। इसका संबंध यह बंग में आल प्रत्यय से मिलकर यह भाषा बनी है। इसमें यह भाषा बहुत अपने सौंदर्य के कारण काफ़ी लोग इसको जानते हैं, इससे परिचित हैं और इसको सीखना भी चाहते हैं। हिंदी से काफ़ी मिलती जुलती है, कई शब्द तो इसके गुजराती में भी काफ़ी मिलती जुलती है। अपने सौंदर्य के कारण, अपने साहित्य के कारण यह भाषा मात्र देश में नहीं बल्कि विदेशों में जानी जाती है। हम सब जानते हैं कि बंगला में ही साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के ऊपर 1913 में पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार, जो पूरा विश्व जानता है। इसका अनुवाद इंग्लिश में हुआ और उसी में टैगोर ने कई सुंदर सुंदर कविताएं लिखी हैं जो पूरे विश्व के बंगाल की बंगला भाषा को प्रदर्शित करती है, उसका प्रस्तुतिकरण करती है। हम सब जानते हैं कि जो उन्होंने इसमें लिखा है, जोधी तो डाक सुने कोई ना आवे, तुम्हें एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। इस काव्य के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से टैगोर जी ने हमें क्या नहीं सिखाया, उन्होंने हमारे में आत्मविश्वास भरा और कह रहे हैं कि यदि तुम्हें कोई न पूछे, तुम्हारी आवाज़ सुनकर कोई तुम्हें न बुलाए, तो तुम अपने आप अंदर से शक्ति क्रिएट करके, शक्ति उत्पन्न करके आगे बढ़ो। तो वो टैगोर जी जिन्होंने बंगला भाषा को समृद्ध किया, उनके साथ साथ सरचंद और माइकल, इन लोगों ने, सभी ने बंगला भाषा को समृद्ध ही नहीं बनाया बल्कि उसमें सौंदर्य भी भरा, उसमें मिठास भी भरा और उसके द्वारा देश को संपन्न बनाया। हम जानते हैं कि हमारा राष्ट्रगीत जो है उसको बंगला में लिखा गया है, जिसको टैगोर ने ही लिखा है। तो इस तरह से बंगला भाषा का भी अपना महत्व है। इस पे ही यहाँ पर एक चाइना टाउन है कलकत्ते में, और उस चाइना टाउन में एक ऐसी भाषा है चाकमा, जिसको चाकिया भी कहते हैं। ये भाषा जो है वह बंगला और चीनी शब्दों के मिश्रण से इस भाषा का विकास हुआ है। इसकी लिपि चीनी लिपि है और कहीं कहीं बंगला लिपि भी का उपयोग करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ इस टाउन में जहाँ बोर्ड है वो भी इसी चाकिया या चाकमा भाषा में लिखा गया है। तो हम देखते हैं कि इसके साथ साथ विदेशी भाषा का भी इसमें समन्वय है और वह भाषा भी बंगला के साथ साथ विकसित हो रही है। तो इसका भी संबंध अपभ्रंश से है बंगला भाषा का। अब आगे इसमें कुछ उदाहरण देने के लिए मैं राजेंद्र भाई से निवेदन करती हूँ कि कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें। धन्यवाद। बांग्ला भाषा भारतीय भाषाओं में उच्चारण की दृष्टि से सबसे कोमल भाषा रही है। जैसे मोशाय, आशुन आशुन, वशुन, महासई, आइए आइए बैठिए। हम जब बंगाल में जाए तो ये समझना बड़ा सरल है। वैसे उग्र भाषा के रूप में देखे तो भी बंगाली जितने भी क्रांतिकारी हुए वो भी बंगाल में हुए, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा को एक नया रूप दिया और गीतांजलि को तो नोबेल प्राइज़ मिला। हम जो राष्ट्रगीत गाते हैं वो भी बंगाली भाषा में लिखा है, और सबसे पहले उपन्यास मैं मानता हूँ भारतीय भाषाओं में बंगाल में लिखे गए, फिर दूसरी भाषा में उसका अनुवाद मिलने लगा। वो शायद इसलिए भी ज़्यादा विकसित हुई क्योंकि
अंग्रेजों का हेडक्वार्टर तब बंगाल था, कोलकाता सबसे बढ़िया बंदर है। कुछ लोग चीन से भारत आए, आज चाइना टाउन जाओ तो आप कोलकाता में हो ऐसा लगता ही नहीं है। वहाँ जो भी बोर्ड है, साइन बोर्ड है, वो चीनी चित्रलिपि में लिखा गया है। यहाँ तक कि सुबह आप नाश्ता करने जाए तो पूरे चीन की संस्कृति वहाँ देखने को मिलती है। कितनी दो संस्कृतियों का सुभग समन्वय, न केवल पहनावे में, न केवल रहन सहन, वहाँ जो मकान की रचनाएं हैं वो भी चीन प्रकार की है। और चाक्या भाषा, बंगाली और चीनी दोनों मिश्रण से नई उत्पन्न हुई एक भाषा है, और वो उस प्रदेश विशेष में बोली व समझी जाती है। तो इस प्रकार रविंद्रनाथ जी ने, रविंद्रनाथ तो प्रमुख है, बहुत से लोगों ने बंगाली में रचना की, बहुत से उपन्यास बंगाली में मिलते हैं, बहुत से अच्छी रचनाएं हमें बंगाली में प्राप्त हो जाती है। बंगाली के बाद आता है हिंदी, असमी भाषा। तो मैं मालती देवी से निवेदन करूंगा कि असमी भाषा के कुछ उदाहरण, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। अब आर्य भाषा परिवार की नौवीं भाषा असमी है, भारतीय आधुनिक भारतीय भाषा को ध्यान में रखकर। असमी जो है वह असम की घाटी में कि 80,000 किलोमीटर के वर्ग मील में बोली जाती है। आसपास सभी असमी बोलते हैं, इसको असमिया भी कहते हैं। और यह भाषा भी अन्य भाषाओं की तरह समृद्ध है, यह मैथिली की ज़्यादा नज़दीक है। बंगाली और मैथिली दोनों के नज़दीक है, लेकिन उन दोनों की तुलना में मैथिली से ज़्यादा नज़दीक है। इसकी लिपि भी मैथिली की लिपि से मिलती जुलती है। इसका दूसरा नाम विष्णुपुरिया भी है, असमी को विष्णुपुरिया भी कहते हैं। और यह बंगला से भी अपना संबंध रखती है, और असम का साहित्य भी अपने आप में एक यूनिक साहित्य है, यह पूरे देश में जाना जाता है। असमिया जो है वह उसके ऊपर, उसके आसपास के जो नागालैंड, मणिपुर आदि जो दूसरे राज्य हैं, उसका भी उन भाषाओं का भी असर है। इस तरह हम देखते हैं कि भारत की अन्य आधुनिक आर्य भाषाओं की तरह असमिया भाषा भी अपने आप में समृद्ध है। और इसके विदेशी नाम भी हैं, अन्य नाम भी हैं, और इसमें रचनाएं भी अच्छी हुई हैं। अब हम भारतीय आर्य भाषाओं की अंतिम भाषा हिंदी पर जाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि मैं और कुछ थोड़ा दो वाक्य कहूँ तो सिंहली और नेपाली, ये भले दूसरे देशों में है, सिंहली श्रीलंका में और नेपाली नेपाल में, लेकिन ये भी आर्य भाषा में आती है। अब हिंदी के बारे में राजेंद्र भाई कुछ चर्चा करेंगे। अवश्य हिंदी भारत में अधिक भूभागों में बोली व समझी जाती है, इसीलिए संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है। भारत के अधिक भूभागों में बोली व समझी जाने वाली भाषा हिंदी है। उसकी 17 बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। आज हिंदी का विकास साहित्यकारों ने तो किया है, गीतकारों ने तो किया है, लेकिन सबसे अधिक श्रेय मैं फिल्म सिनेमा उद्योग को देता हूँ। आज पूरे भारत में और हिंदी भाषा राज्यों में अनपढ़ लोग भी हिंदी बोली वो समझ लेते हैं। इसका श्रेय एक तो प्रचार प्रसार के माध्यमों को तो है ही, हिंदी सिनेमा जगत को भी है। अनपढ़
लड़का या अनपढ़ किसान गांव का, वो आसानी से हिंदी सिनेमाओं के डायलॉग बोल लेते हैं, संवाद बोल लेते हैं और समझ सकते हैं। हिंदी में प्रमुखतः आती है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा भाषा नहीं, कविता है ऐसा लगता है, जो दो आदमी आपस में बात कर रहे हो कि संकरी गली में कंकरी मार के आवत जावत नैना नचावत, तो बात कर रहे हैं कविता कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। इतनी अच्छी भाषा। और सूरदास ने सुर सागर में 10,000 पद्मा ब्रज भाषाओं की रचना की कि मैया मोरी कबहूँ बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुझे दूध पीवत भई, अज हूँ है ये छोटी। बाल गोपाल कृष्ण की शिकायत सुन के यशोदा हंस पड़ती है। वो कहती है मैया तू मोहरन को मारन सीखी, दाऊ कभी न खीजे। मैया मोरी दाऊ बहुत चिढ़ायो, मोसो कहत उधार को लीनो, तू कब जसुमती जायो, गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर। तो सुदास जी ने ब्रज भाषा का, और बहुत से हिंदी कवियों ने, अष्टछाप कवि आप भंवर गीत ले लीजिए नंददास का, ब्रज भाषा का विकास किया। तुलसीदास ने विनय पत्रिका में भी उनका उल्लेख किया है। ब्रज के बाद आती है खड़ी बोली, और अमीर खुसरो को कैसे हम भूल सकते हैं, तूतीय हिंद का जिसके विरुद्ध मिला था भारतीय तोते, इतनी अच्छी रचना वो कर लेते थे। वो खड़ी बोली हिंदी में हुई है। बुंदेली जो बुंदेलखंड के आसपास बोली जाती थी, हरियाणी जो पंजाब के आसपास बोली जाती है, कनौजी, और अंत में आती है अवधी। तुलसीदास ने रामचरितमानस का जिसमें रचना की है वो अवधी भाषा है। मैं मालती देवी से कहूँगा कि कुछ उनके बारे में बताए। अवधी में विश्वकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, जो आज विश्व में प्रसिद्ध है।